बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे आपकी दुआ से। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर रेसिपी। तो ये जो थी मेरी छोटी सी दुनिया है, इसके अंदर मैं आपके साथ रेसिपी भी शेयर करती हूँ, ब्लॉगिंग भी शेयर करती हूँ। तो ज़्यादा बात किए बगैर हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। आज की जो रेसिपी है वो है हमारी चीज़ पटाटो पराठा, मतलब चीज़ आलू का पराठा। इसमें हम आलू भी डालेंगे और चीज़ भी डालेंगे, जैसे चिकन चीज़ पराठा होता है इस तरीके से ही आलू चीज़ पराठा। मुझे लग रही थी यहाँ पे भूख, तो मैंने सोचा कुछ ना बनाया जाए अपने लिए और आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो चीज़ भी घर के अंदर अवेलेबल थी और सारा सामान अवेलेबल था, तो मैंने कहा क्यों ना झटपट से एक इनोवेटिव डिश बनाई जाए, एक अच्छी सी डिश बनाई जाए जो आराम से बंदा खा सके। तो यहाँ मैंने क्या किया, मैंने लिया एक आलू, ठीक है, मीडियम साइज़ का आलू था। मैंने सिर्फ एक ही आलू लिया कि मुझे सिर्फ़ एक या दो पराठे ही बनाने, ज़्यादा नहीं बनाने। उसको मैंने बॉईल करके मैश कर लिया अच्छी तरीके से। अब मैं इसमें ऐड करूँगी, इसमें मैं ऐड करूँगी ये देखिए प्याज छोटी सी, हरी मिर्चें एक, धनिया पुदीना और बंद गोभी। पुदीना जो था मेरे पास वो फ्रेश नहीं था अवेलेबल, तो इस वजह से जो है मेरे पास सूखा धनिया होता है घर में हम रखते हैं, तो वो फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, तो मैं जल्दी से ये सारी चीज़ें करती हूँ इसके अंदर ऐड। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक भी स्टेप मिस नहीं कीजिएगा। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैंने इसमें हरी मिर्ची, हरा धनिया, पुदीना और प्याज जो थी वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ज़्यादा मैं कुछ ऐड नहीं कर रही इसके अंदर। अगर आप लोग को और वेजिटेबल्स ऐड करनी है तो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये बहुत है। तो ये चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो अब इसके अंदर जो मैं इसमें इसकी सीजनिंग करूँगी, इसमें मसाले ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून सोया सॉस, सॉरी चिल्ली सॉस है ये, हाफ़ टेबल स्पून चिल्ली सॉस। ये अच्छा लगता है खाने के अंदर, तो इसलिए मैं ऐड कर लेती हूँ हाफ़ टेबल स्पून सोया सॉस, ठीक है। और 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च। टेस्ट के हिसाब से अपनी रख सकते हैं जो आपको टेस्ट पसंद हो। इसके अलावा मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून गरम मसाला। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टीस्पून काली मिर्चें पिसी हुई, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। और 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी। आप मिक्स करने के बाद भी नमक चेक कर सकते हैं, क्योंकि आलू में अपना जो है नमक वो होता है, लेकिन हम जब हमने बॉयल किया था उसका नमक ख़त्म हो गया था, तो आप नमक चेक कर सकते हैं। और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून जितना मक्खन। अब हम इसको करेंगे अच्छी तरीके से मिक्स, तो ये जो है हमारी फिलिंग जो है पराठे की वो अच्छी तरीके से रेडी हो जाएगी। तो मैं इसको जल्दी से कर लेती हूँ मिक्स। ये बहुत सिंपल और बहुत इजी पराठा, बहुत यम पराठा बनता है, तो आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ उसको सब मिक्स करने के बाद। जो हमारा मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है और बहुत यम लग रहा था। इसको आप कबाब बना के भी खा सकते हैं, मैंने टेस्ट किया। मिक्सिंग के दौरान ही आप जो है इसमें नमक टेस्ट चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे आलू जो है वो ऑलरेडी बॉइल्ड हैं, तो आप उसमें नमक चेक कर सकते हैं। मैंने चेक किया तो नमक बहुत नमक मतलब सही था, मैंने 1 टेबल स्पून जितना इसमें नमक ऐड किया था। अब हम इसके बनाएंगे पराठे। तो पराठा के लिए कोई मैं स्पेशल आटा नहीं गूंद रही, सूजी मैदा ये वाला आटा मैं कुछ नहीं गूंद रही, जो सिंपल नॉर्मल आपके घर में पराठा होता है, सॉरी नॉर्मल आटा होता है जो आप रोटियों के लिए गूंदते हो, वही आटा मैं यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि बंदे को एमरजेंसी भूख लगी और इतना मतलब टाइम ही नहीं है कि वो मैदा सूजी करके आटा गूंदे, तो हम उसी नॉर्मल आटे से बनाएंगे अपने आलू का चीज़ पराठे। तो ये हो गई रेडी, अब मैं बनाती हूँ पराठा। ये देखिए इस साइज़ के जो है मैंने छोटा पेड़ा ले लिया था, जो चपाती का होता है वैसे लिया, और मैंने एक जो है वो बेल ली है, ठीक है। अब बेल लिया, अब मैं इसके अंदर क्या करूँगी, अब मैं इसके अंदर लगाऊँगी ऑयल। आप चाहें तो यहाँ घी भी लगा सकते हैं। ऑयल अच्छे तरीके से इस सारी रोटी के ऊपर लगा के फिर हम इसको फोल्ड करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको ऑयल अच्छे तरीके से लगाना है पूरे अपनी रोटी के ऊपर जो हमने बेली है। आप छोटी सी बेलेंगे, कोई भी साइज़ हो कोई मसला नहीं है। तो हम पहले इसमें लगाते हैं सारा ऑयल। तो ऑयल मैंने इसके अंदर लगा दिया। अब थोड़ा सा जो खुश्क आटा है वो मैं इसके ऊपर डस्ट कर दूँगी। फिर इसके बाद हम इसको इस तरीके से मोड़ेंगे, फोल्ड कर। आप लोगों को दोनों इस तरीके से ही बना लेने, मतलब एक दफ़ा पेड़ा बनाया छोटा सा, फिर उस पर आपने ऑयल ऐड किया, आप घी भी ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको फोल्ड करेंगे, फिर जैसे ही नॉर्मली आप पराठा बनाते हैं इस तरीके से आप इसको ऐसे करके फोल्ड कर देंगे। बस कोई है नहीं तो आपको दिखाती, तो बस इस तरीके से आप लोगों को ऐसे इसको फोल्ड करते जाना है।
इस तरीके से। ये देखिए ये आपकी एग रोटी का जो पार्ट है वो रेडी हो चुका है। चपाती, अब दूसरा भी मैं इसी तरीके से करूँगी। आपको दोनों ही ऐसे करने, फिर आगे क्या प्रोसेस होगा वो मैं आपको बताती हूँ। हमारे ये पराठे ये दोनों रेडी हो गए और ये फिलिंग्स भी हमारी रेडी हो चुकी है। अब इन दोनों को मैं एक साइज़ के जितना बेल लूँगी, ठीक है। ये हमें दोनों को बेलनी है, फिर मिलती हूँ मैं आपसे बेलने के बाद। दोनों बेल के मैं रख लूँगी, फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बेलूँगी। यहाँ मैंने फ्राई पैन रख लिया और थोड़ा सा बटर मैंने इसके अंदर लगा दिया। इसको अच्छे तरीके से पूरे फ्राई पैन के ऊपर मैंने बटर लगा दिया और मीडियम स्लो आंच पे मैंने इसको रखा हुआ। मैं पराठा बेलूँगी फिर इसके अंदर डालूँगी। फ्रेंड्स ये देखिए दोनों रोटी मैंने बेल ली है। अब आगे क्या प्रोसेस है वो मैं आपको बताती हूँ। उस तरीके से आपको दोनों को बेल लेना है, ठीक है। जो है वो मैंने एक पराठे के अंदर रख दिए। अब हम इसको पूरे पराठे के ऊपर सेपरेट करना, मतलब पूरे पराठे के ऊपर लगा लेंगे। फिलिंग जो हमारे पूरे पराठे पर आ जाए, ताकि हम जो बाइट लें वो हमारे पूरे पराठे पर आ जाए। इस तरीके से आप इसको फैला लेंगे, ताकि हर बाइट में जो है आपको आलू का मिक्सचर वो आए। ये नहीं कि एक साइड से खाएं लेकिन आलू का मिक्सचर कोई नहीं। इस तरीके से आपको सारा फैला लेना है, सेपरेट कर लेना है। 2 टेबल स्पून जितना मैंने इसके अंदर मिक्सचर लिया, अब इसको अच्छे तरीके से मैंने फैला लिया। देखें आप हर जगह ये है। जब हम भी बाइट लेंगे तो हमारे जो साथ में मुँह में जो है इसकी आलू का जो मिक्सचर है वो आएगा। उसमें मक्खन डाला था, वैसे इतना क्रीमी हो चुका था। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चीज़, ठीक है। मेरे पास चैदर और मोज़रेला चीज़ थी जो मैंने कद्दूकश करके रखी हुई थी। इस तरीके से आप इसके अंदर इसको अच्छी तरीके से डाल देंगे, ताकि चीज़ भी इसके अंदर हो। चीज़ भी मैंने इसके अंदर डाल दी है। अब मैं क्या करूँगी, ये जो सेकेंड वाला पराठा है जो मैंने बेला था वो मैं इसके ऊपर रख दूँगी। हम इसको दोबारा तो नहीं बेलना, इसलिए हमने इतना ही बेला कि जितना हम इसको ले सकें, तो वो इसलिए अब मैं इसके ऊपर इसको रख देती हूँ। इसके पराठा जो है मैंने इसमें डाल दिया है। फ्राई पैन मैंने आपको पहले बताया था कि ऑयल लगा के मैंने इसको छोड़ दिया था। अब ये पराठा डाल दिया, एक साइड से थोड़ा सा पक जाएगा। और आपको फ्लेम हमेशा लो रखनी है, मतलब स्लो रखनी है, मीडियम स्लो रखनी है, ज़्यादा हाई नहीं रखनी, क्योंकि जो है हमारा आटा पराठा है ना, इस वजह से थोड़ी सी आपको जो फ्लेम है ना वो मीडियम रखनी है। तो इस तरीके जब एक साइड पक जाएगा, मतलब 10-15 सेकेंड बाद हम इसकी साइड टर्न कर देंगे। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारा आलू का पराठा जिसमें मैंने चीज़ भी ऐड की है तो रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कलर कितना खूबसूरत है। तो ये क्रिस्पी भी होगा, ये क्रिस्पी भी है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये बहुत यम और बहुत मज़े का बनता है। आप इसको मतलब एक दिन के लिए फ्रीज़र भी कर सकते हैं। मेरे पास एक छोटा सा बना के बच्चा था, 3 बनाए मैंने, 2 मैंने और मेरी खाला खा लेंगे, एक मैं वो खा लेंगे, एक छोटा सा जो बच्चा वो मैंने फ्रीज़र रकम में कर दिया, वो मैं सुबह अपने नाश्ते के अंदर खा लूँगी। ये हेल्दी भी है, ठीक है। इसमें जो ऑयल है वो भी बहुत कम ही खर्च हुआ है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसे करते हैं कटिंग। तो फ्रेंड्स ये देखिए रेडी हो चुका है बिल्कुल। और ये देखिए कितना यम लग रहा है अंदर से, देखिए। तो इसमें जो फिलिंग्स थी वो मैंने अच्छी डाली थी, ताकि हमारे जो हर एक बाइट में हमारे आलू की फिलिंग्स जो है वो आए। चीज़ ऑप्शनल है, चीज़ अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। खाली आलू का भी बना सकते हैं। मैं थोड़ी सी इसके अंदर डाल दी थी तो इस वजह से, और फ्राई करते वक्त जो था वो लाइट चली गई। अभी भी लाइट नहीं है, लाइट वाले को क्या बोलें। तो आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आपको मिल सके। इसी तरीके से आपको ईजी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो मुझे और मेरे पेरेंट्स को दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और अपने पेरेंट्स की खिदमत कीजिएगा, उनको टाइम दीजिएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को करती हूँ एंड। और थैंक यू सो मच आप लोगों का, मेरे 200 सब्सक्राइबर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, इतना प्यार देने के लिए। तो अल्लाह हाफिज़। इसी तरीके से मुझे अपना प्यार देते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमान अल्लाह। शब बख़ैर।